कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलाइज, 301 को क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलाइज। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है 300, थोड़ा पढ़ते हैं। हर्षा का कहना है सर एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो बेटा, आप टाइप कर दो आई आंसर दैट। देखिए 301 देखते हैं, तब तक कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। जान लेने किसी और की थी, ले किसी दूसरे के लिए, ऐसे केस में क्या होगा, क्या आप लाइबल होंगे डेथ कॉज करने के लिए? तो 301 कहता है आप ठीक वैसे ही लाइबल होंगे जैसे आपने उस व्यक्ति की जान ली हो जिसको मारने का आपका इंटेंशन था। एक बार बाकी का कंटेंट भी इसका पढ़ लीजिए। इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच ही इंटेंड्स और नोस टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नीदर इंटेंड्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। यहां सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की बात करिए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अमाउंटिंग टू मर्डर का। सिंपली ये कहा गया है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जहां आपका इंटेंशन है या नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने का और आपने एक एक्ट कमिट किया, लेकिन उस एक्ट से डेथ किसी दूसरे बंदे की हो जाती है जिसको मारने का ना तो आपको इंटेंशन था ना तो नॉलेज था, ऐसे केस में आप ठीक वैसे ही लायबल होंगे जैसे आपने उस व्यक्ति को मारा हो जिसके जिसको मारने का आपका इंटेंशन या नॉलेज था। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए ए को जान लेनी है बी की, ए की जान लेने के इंटेंशन से सॉरी बी की जान लेने के इंटेंशन से ए शूट करता है टुवर्ड्स बी, उसकी तरफ एम करता है और शूट करता है, लेकिन होता यह है कि बी वहां से हट जाता है जैसे ये गोली चलाता है, बी तो वहां से हट जाता है लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ था सी और इस सी को गोली लगती है और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, अब आप जरा बताइए कि ए सी के कंटेक्स्ट में कैसे लाइबल है, क्या सी की डेथ के लिए ए लाइबल है? मारना चाहता था ये बी को जान से लेकिन बी वहां से हट गया, नीचे बैठ गया, सी को गोली लग गई और सी मर गया। अब आप बताइए क्या ए सी की डेथ कॉज करने के लिए लायबल है? सो 301 कहता है यस, ए ठीक उसी तरह लायबल है जैसे उसने बी को मारा हो। तो बी को मारने के लिए अगर ये मर्डर के लिए लायबल होता तो इस केस में भी सी को मारने के लिए भी वो मर्डर के लिए ही लायबल होगा। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलाइस। आपका जो गिल्टी माइंड था वो किसको मारने का था? बी को मारने का था, लेकिन गलती से सी मर गया तो आपका जो मैलाइज है वो ट्रांसफर हो जाएगा, आपका जो गिल्टी माइंड है वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा इसके लिए, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलाइज इस प्रोविजन को। एंड दैट्स हाउ यू विल बी लायबल, ए विल बी लायबल इन द सेम मैनर एज इफ ही हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ बी। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसके आगे एक सवाल है मेरा आपसे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। अब मान लीजिए ए को बी की जान लेनी है, इसे डेथ कॉज करनी है बी की, इसीलिए एक पॉइजनस चॉकलेट, ए एक चॉकलेट में पॉइजन मिलाता है और वो चॉकलेट देता है बी को खाने के लिए ताकि इसकी जान चली जाए, लेकिन बी को वो चॉकलेट पसंद नहीं है, सस्ती लेके आया था और भाई खाता महंगी चॉकलेट, ये लेके आए थे डेरी मिल्क, इनको चाहिए फेरेशो रॉशर, वो कौन सी होती है महंगी वाली, वही फेरेरो रॉशर सॉरी, तो फेरेरो रॉशर चाहिए इनको तो भाई, क्योंकि इन्हें महंगी चॉकलेट खाने का वो है और ये गरीब लेके आया डेरी मिल्क, इसने भाई साहब ये तो खाते नहीं, और ये क्या करता है वो पॉइजन मिली हुई चॉकलेट ये दे देता है सी को और बी इस बात से अनजाने की वो पॉइजनस है ना, उसे पता नहीं है, उसने दे दी सी को, सी ने वो चॉकलेट खाई और सी निपट गया। ठीक, सी ने चॉकलेट खाई और सी निपट गया। अब 301 तो सिंपल ये कह देता है कि साहब क्योंकि आप इसको मारने गए थे लेकिन उसको मार दिया तो आप लायबल हैं, सी के लिए भी आप ठीक वैसे ही लायबल हैं जैसे आपने बी की जान ली है, ये तो 301 ने आपको बता दिया। अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है, जैसे आप डीजेस वीजेस का एग्जाम देने जाएंगे तो जो आप पढ़ के जाते हैं वो तो सवाल में लिखा रहता है, ये बड़ी समस्या है डीजेस जैसे एग्जाम जिनमें थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड और उस तरीके के कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, मेरिट मिलता है मेंस में। अब वहां जो अपन पढ़ के गए थे बाकी स्टेट के एग्जाम के लिए वो तो सवाल में दे दिया हमने और सवाल ही वहां से चालू हो रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि ये तो ठीक है 301 ने बता दिया, अब आप मुझे ये बताइए इसकी जगह अगर केस ऐसा है कि ये जो ए है इसको जान लेना था बी की, ये पॉइजनस चॉकलेट बी को देता है और बी को ये बात पता है, बी को यहां ये बात पता है कि इसमें पॉइजन है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि जहरीली चॉकलेट है पॉइजन है, और ये जानते हुए कि उस चॉकलेट में पॉइजन है ये वो पॉइजनस चॉकलेट किसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये वो पॉइजनस चॉकलेट खाने को दे देता है सी को, और सी तो एकदम बैठे ही होगा कि कुछ भी मिल जाए अपन तो खा ले,
यहां बी जानते हुए वो चॉकलेट देता है सी को कि ये पॉइजनस है और सी उस चॉकलेट को खाके मर जाता है। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि ए की लाइबिलिटी सी के कंटेक्स्ट में क्या है, क्या ए लाइबल है यहां भी सी की डेथ कॉज करने के लिए, यस और नो? यस और नो? बताइए भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। क्या 301 के तहत ए लाइबल है सी की जान लेने के लिए? सो द आंसर इज नो। यहां ए की लाइबिलिटी सी के कंटेक्स्ट में नहीं बैठेगी जान लेने की, कारण समझना। यहां हम कर रहे थे क्योंकि यहां ए का ही मैलाइस, ए का जो गिल्टी माइंड है, ए का गिल्टी माइंड था बी को मारने का, और क्योंकि ये नहीं मरा सी मर गया, तो ए का ही गिल्टी माइंड ट्रांसफर कहां होगा सी के एक्ट के लिए, सी की डेथ के लिए, इसलिए वहां ए लाइबल है। लेकिन यहां जो ए का गिल्टी माइंड है वो बी को मारने का था, अब यहां एक गिल्टी माइंड ऐड हो गया, इधर बी का भी गिल्टी माइंड है, यहां भी इनोसेंट था बट यहां बी का मैलाइस आ गया। जैसे बी का गिल्टी इंटेंशन आ गया, ए की वो चेन यहां खत्म हो जाएगी, ए की वो चेन यहां पे खत्म, ए की लाइबिलिटी यहां खत्म। तो ए लाइबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, डिस्क्रिप्शन में अपन नहीं जाते, और बी लाइबल होगा फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ सी, ये इसका अलग मैलाइस। ए का ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि बी का गिल्टी माइंड आ गया इस एक्ट में, इस चेन में, तो ए की लाइबिलिटी इधर खत्म, अब बी की चालू टूवर्ड्स, और बी लाइबल होगा फॉर द डेथ ऑफ सी। आई होप दिस इज क्लियर।